कैलकुलेट करते हैं ओपनिंग कैपिटल पे, पर ओपनिंग कैपिटल हर बार क्वेश्चन में नहीं दी होती, और अगर नहीं दी होती तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे? कैपिटल मैंने आपको बताया था दो केसेस होते हैं, फिक्स्ड या फ्लक्चुएटिंग। फिक्स्ड के केस में अगर फिक्स कैपिटल होती है तो ओपनिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं? सो हमें जो कैपिटल दे रखी होगी वो दे रखी होगी क्लोजिंग कैपिटल, तो हम लिखेंगे कैपिटल एट द एंड। हमें वापस जाना है, हमें ओपनिंग पे जाना है, तो अगर हमने कुछ विड्रॉ किया था तो हम उसको ऐड कर देंगे, क्योंकि हमें वापस जाना है, हमें देखना है पहले क्या था, तो अगर हम कुछ निकाल लिया था हम उसको वापस रखेंगे। तो विड्रॉल ऑफ कैपिटल, जो भी कैपिटल विड्रॉ करे वो हम ऐड करेंगे, उसके बाद लेस कर देंगे हम लोग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, और जो हमने रखा था वो हम वापस निकाल लेंगे कि देखने के लिए कि पहले कैसा था। तो ये हमारा निकल आएगा ओपनिंग कैपिटल इन द बिगिनिंग, या ओपनिंग कैपिटल कैपिटल इन द बिगिनिंग। इस पे हम जो ये कैपिटल निकलेगी इस पे हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, जैसे 10% है, 5% है, जो भी आपको इंटरेस्ट दे रखा होगा। सो ये हमारा है फिक्स्ड के केस में, पर अगर फ्लक्चुएटिंग है कैपिटल, अगर फ्लक्चुएटिंग है कैपिटल तो कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे? कैपिटल एट द एंड, जो भी कैपिटल थी उसमें हमें ऐड करनी है चीजें, एक तो विड्रॉल, जो भी हमने विड्रॉल ऑफ कैपिटल किया था, ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स क्या होते हैं? प्रॉफिट, जो हमें, जैसे हम सोचते हैं कि जैसे मैं पार्टनर हूं, मैंने सोचा है कि मेरे फर्म में 1,00,000 रुपए का प्रॉफिट होने वाला है, उसमें से मैं 50,000 घर लेके जाना चाहती हूँ। मैंने पहले सोचा मुझे ना 1,00,000 रुपए मिलेंगे प्रॉफिट में से, तो मैं पहले 50,000 ले लेती हूँ, अभी हुआ नहीं है प्रॉफिट, तो मैंने पहले सोचा मैं उसको घर ले गई और अपने पर्सनल एक्सपेंसेस कर दिए उससे, उसको बोलते हैं ड्रॉइंग्स। विड्रॉल ऑफ कैपिटल मतलब हम, मैंने कुछ इन्वेस्ट किया था बिजनेस में, जैसे 5,00,000 किए थे, मैंने कहा नहीं मेरे को तो वापस ले चाहिए ही चाहिए, पापा उसमें से 1,00,000 चाहिए, मैंने गलती से कर दी या फिर मेरे को बहुत जरूरत है, ऐसे केसेस बहुत कम होते हैं, विड्रॉल ऑफ कैपिटल कम होता है, ड्रॉइंग्स ज्यादा होती है। तो ड्रॉइंग्स हम करेंगे ऐड, इसके अलावा हम लोग ऐड करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, लॉस अगर कोई है, वैसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नहीं होगा वो आप क्वेश्चन में ही सॉल्व करेंगे, लॉस हम लोग ऐड करेंगे। ये सब हम ऐड करके और हम लेस करेंगे कैपिटल इंट्रोड्यूस, इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल लेस करेंगे हम लोग, क्योंकि हमें वापस जाना है, और हम लेस करेंगे प्रॉफिट, ठीक है, ये जो आएगी आपकी तो आपकी कैलकुलेट हो जाएगी ओपनिंग कैपिटल, ये कैपिटल इन द बिगनिंग, और आप इस पे इंटरेस्ट निकालेंगे हमेशा। अगर आपके क्वेश्चन में दे रखा है कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर, या कैपिटल आपको जैसे आपको फाइनेंशियल ईयर दे रखा है 2020 to 2021, और आपको कैपिटल दे रखी है 31 मार्च 2021, तो मतलब वो एंड की कैपिटल, तो आप वापस जाके उसको ओपनिंग की निकालेंगे एंड उस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। अब केसेस होते हैं, जैसे पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, अगर पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर क्वेश्चन में ले ही नहीं रखा, पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, तो हमने पहले भी ये डिस्कस किया था, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड,
ठीक है। अब पार्टनरशिप डीड में बताएंगे कि वो चार्ज है कि पार्टनरशिप डीड डज नॉट specify interest on capital as a deed, as a charge or appropriation. मैंने बताया था ना charge क्या होता है, अगर firm को loss भी हो रहा है तो भी देना पड़ेगा, और अगर appropriation होता है अगर profit हो रहा है तभी देना है। अगर बता ही नहीं रखा है कि वो चार्ज या अप्रोप्रिएशन है, आपको बोला हुआ ही नहीं है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज इज अ चार्ज और एन अप्रोप्रिएशन, तो आप उसको अप्रोप्रिएशन मान के ही चलोगे और आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी दोगे जब प्रॉफिट होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज गिवन ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट होगा तभी आप दोगे अगर बोला नहीं गया है। और अगर पार्टनरशिप डीड बोलती है या आपका क्वेश्चन बोलता है स्टेट्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज, अगर वो बोलता है कि वो चार्ज है तो मतलब अगर लॉस भी हो रहा होगा तो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज गिवन इन केस ऑफ लॉस, इसमें अगर साइलेंट है तो नहीं देना, अगर लिखा हुआ ही नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना। अगर ये नहीं बताया गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज और अप्रोप्रिएशन, तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी देना है जब प्रॉफिट होगा। और अगर लिखा हुआ है कि चार्ज है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देना ही देना है, अगर लॉस होगा तो आप तब लॉस के केस में भी आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। तो ये ओपनिंग कैपिटल हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं, कैपिटल एट दी एंड प्लस जो भी हमने कैपिटल विड्रॉ करी थी लेस इंट्रोड्यूस कैपिटल, और आपकी कैपिटल इन द बिगनिंग आ जाएगी। कैपिटल एट दी एंड विड्रॉल ऑफ कैपिटल ड्रॉइंग्स लॉस, और लेस करना है आपको इंट्रोड्यूस कैपिटल प्रॉफिट, और आपकी ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। इस पर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।